ओवरऑल आई लाइक टू विश द ग्रुप अ वेरी सक्सेसफुल 15 इयर्स और आई थिंक दैट द वे दे आर दे आर गोइंग टू बी देयर फॉर द नेक्स्ट hundreds of years together. I feel ki the Indian wedding is the most beautiful wedding in the world. Itna drama ke saath aur itna fanfare ke saath, it doesn't happen anywhere in the world. Bilkul nahi, mujhe swayamvar ke jaise kuch nahi chahiye. Itna publicly mujhe mere life partner ko mujhe nahi chunna hai. Agar hoga, kafi quietly hoga. बहुत एक्साइटिंग बात है. आई थिंक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, इंडस्ट्री से भी काफी लोग आए हुए हैं. देयर इज अ वंडरफुल ऑडियंस एंड ऐसे फिल्म को शोकेस करने को मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है. एंड आई थिंक एवरीबडी इज लव द सॉन्ग, एवरीबडी इज लव द फर्स्ट लुक ऑफ द फिल्म. एंड वैसे भी हम सब इतने अच्छे दोस्त हैं कि ऐसे काम करने में हमें बड़ा मजा आता है. सो इट वॉज गुड फन टू वॉक ऑन द रैंप. आई चूज माई रोल्स वेरी वेरी केयरफुली एंड डैडी कूल इज अ वेरी स्पेशल फिल्म. मैं डेफिनेटली इस पिक्चर को नहीं करती अगर मुझे लगता कि रोल बहुत छोटा है और नजरअंदाज किया जाएगा. बहुत ही अच्छा रोल है, ना सिर्फ मेरा लेकिन हर एक कैरेक्टर को बहुत अच्छी तरह से कैरेक्टराइजेशन. मैं जस्टिफिकेशन दूंगा इस पे. द मेकर्स इन पर्टिकुलर इंदर कुमार एंड अशोक आर्य, उन्होंने धमाल भी बनाई थी और तब मैं एक न्यू कमर था कम्प्लीटली. रितेश अर्शद जावेद संजू सर जैसे जाने माने कलाकार फिल्म में थे लेकिन उन्होंने एक फिल्म में मुझे कुछ कम नहीं दिया. ही नोज व्हाट इज कैरेक्टर मींस इन अ फिल्म एंड उतना इतने ही केयरफुली उन्होंने सारे कैरेक्टर्स फिल्म में पर ध्यान दिया. हर एक कैरेक्टर का अपना ट्रैक है एंड आई थिंक हर एक एक्टर को पूरा मौका मिलता है अपना टैलेंट दिखाने का जस्टिफिकेशन के लिए. और आई थिंक हम सब ने देख लिया आजकल कि इट्स रियली नॉट अबाउट कौन लीड रोल कर रहा है, कौन कौन सा किरदार निभा रहा है. I look nice because of thanks to Gitanjali and Meeta Lilla, whose clothes I'm wearing, and the lovely diamonds by Gitanjali Jewels. All I can say is that it's a pleasure to be an ambassador for such a wonderful brand, which adorns women from all over the country so beautifully. That's all. Well, the dress is ready, the bride is ready, बस bridegroom बाकी है, कभी ना कभी तो हम जाएगा. जहाँ तक मेरा सवाल है, I have just काफी अरसे बाद स्टेज पे वापस आई हूँ तो बहुत अच्छा लगा. Reminded me of my modeling days and Miss India days. वैसे तो कोई preparation नहीं थी, खूबसूरत कपड़े, खूबसूरत ज्वेलरी और एक लड़की को क्या चाहिए. Happy I'm wearing a Rocky as outfit and I'm wearing the bridal, the jewelry from the bridal collection from Vita Max. So I love it. I think it's great and I'm happy to be brand ambassador of Vita Max. So main kahungi ki all the best always. Wo log they are truly great people. That's why I'm still their brand ambassador after so many years and I wish them all the luck. गीतांजलि और मोरला तो का टाइप हुआ है. गीतांजलि ने मोरलातो कंपनी को इटली से यहाँ पे इंडिया में लॉन्च किया है और मैं उसका ब्रांड एम्बेसडर हूँ. तो जाहिर बात है कि आज बहुत ही गर्व महसूस करता हूँ कि आज उनके एक परिवार का एक मैं सदस्य हूँ और इतनी खूबसूरत घड़ी को आज मैंने लोगों के सामने लॉन्च किया है. जी, ग्रेट एक्सपीरियंस. यू नो, लोग बहुत ही सपोर्टिव थे, बहुत ही अच्छी ऑडियंस है, हमारी इंडस्ट्री बहुत सपोर्टिव है और आज यू नो इतने सारे लोग हैं यहाँ पे गीतांजलि को सपोर्ट करने के लिए. तो it feels really nice.